हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनर गेमिंग। सो हम लोग आज बनाने वाले हैं एक आइस का फार्म। आइस का फार्म मुझे इसलिए चाहिए कि मीन्स मैं बसाल्ट जनरेटर बनाना चाह रहा हूँ। बसाल्ट एक स्टोन होता है, तो एक ब्लॉक होता है, स्टोन नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे आइस की ज़रूरत पड़ेगी, और आइस के बिना ब्लू आइस की ज़रूरत पड़ेगी, और आइस फार्म के बिना मैं ब्लू आइस या तो मैं एक एक कलेक्ट करूँ, इससे अच्छा मैं अपना एक पूरा आइस फार्म बना लेता हूँ। तो आइस फार्म के लिए मुझे जाना पड़ेगा स्नो बायोम टाइप की, एक बायोम होती है दूर है यहाँ से, तो वहाँ जाना पड़ेगा। सो हम स्नो बायोम आ चुके हैं, और मैंने जैसे ये एरिया देख लिया है, यहीं पे मैं अपना सोच रहा हूँ कि फार्म बनाऊँ। पानी क्योंकि ये एकदम जम जा रहा है इधर के पास पास, सो मैं वहाँ पर बना सकता हूँ। तो हमें चाहिए एक 17x17 का एरिया, तो मैं एक बार वो काउंट कर लेता हूँ ये कितना है। 17x17 चाहिए, तो मैं इधर से ही काउंट करता हूँ। हमें कर देना है इसको पूरा स्टोन से कवर, तो हम इसको स्टोन से कवर कर देते हैं 1 2 3। तो ये हमारा हो गया 17x17 का एक एरिया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जाना है और थोड़ा सा ऊपर डबल लेयर ऊपर जाना है, और यहाँ से हमें स्लैब लगानी स्टार्ट कर देनी है। तो स्लैब लगाने के लिए एक तो स्लैब होनी चाहिए या फिर ऐसे स्लैब लगाओ, जैसे मेरे पास कई स्लैब है, तो हमें वर्टिकल लगानी है स्लैब, या ये गलत लगी थी ऐसे, और ये एग्जैक्ट यहाँ तक आएगी इसके ऊपर। तो मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये देखो यहीं तक आई है। और हमें अब जो एक्स्ट्रा हमारी स्लैब लगी है उसको हमें हटा देना है एकदम, इसे ये डायगोनल होना चाहिए, अगर इधर उधर हुआ तो आइस का हमारा फार्म काम नहीं करेगा। और ये एक्सपेंडेबल फार्म है, तो जितना चाहो उतना तो एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक सा है और आइस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जितनी ज़रूरत रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये बहुत है। तो ओके, हमारा दोनों तरफ का ये हो चुका है, और इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ। ये हमने एक और ऊपर इसलिए किया है क्योंकि हमने निकलना और मतलब अंदर जाना बाहर करने में आसानी रहे। अब हमें इसमें एक हमें चाहिए रहेगा वाटर सोर्स, अनलिमिटेड वाटर। तो यहाँ पे मैं वाटर बनाऊँगा थोड़ा सा अंदर, क्यों, क्योंकि ये जम जाएगा तो वाटर हमारा बेकार हो जाएगा, तो हमें जमाना नहीं है वाटर को। वैसे तो ही सो जाता है, मैं तो क्यों तीसरा ले रहा हूँ। और इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ओके हमारा बन गया अनलिमिटेड वाटर। तो एक चीज़ मैं करूँगा, क्योंकि तो मुझे जैसे मुझे भी दिक्कत हो रही देखने में, तो हम इसका जो ये डायगोनल पाथ है हम इसको हटा देते हैं, और इसको हम बदल के उससे कर देते हैं स्टोन से, ताकि हमें पता रहे कि हमें डालना कहाँ है। इसे मैंने एक जगह डाला, इसके बगल बगल जमना लगा है, तो अभी के लिए मुझे ये हटाना है और इसमें लगा देना है स्टोन, ताकि मेरे को जगह पता रहे। ओके चल भाई आगे, तो आगे नहीं जाने दे रहा। ओके सो अब हमारा हो गया है, अब हम वापस एक बार पानी डाल के देख लेंगे, वहीं वहीं कहीं हम गलत अगर डाले होंगे तो हमारा अपने आप सही हो जाएगा। कि हमने 2 में डाला था, तीसरा चौथा इस पे, और इस पे मैंने पानी डाल ही रखा है, इसको निकाल के वापस डाल देता हूँ। ओके वो सही है ऑलमोस्ट, पता नहीं क्यों 2 जगह गड़बड़ सी लग रही है। एक बार मैं इनको तोड़ के देखता हूँ, में भी कुछ दिक्कत हो। ओके इसलिए दिक्कत है, वो जम गया था उसकी वजह से ये गलत टाइप का दिख रहा था, देखो इधर भी जम गया है इसलिए वो गलत टाइप का दिख रहा था, और उसकी वजह से मुझे लगा कि कहीं ये ना। तो अब हम इनको तोड़ के सही कर देते हैं पूरा, तो उधर भी सही हो गया है। सो कुछ नहीं था वो इश्यू नहीं था, वो थोड़ा सा बर्फ जमने की वजह से मेरा पानी बीच में ही अटक गया था, पानी नहीं जा रहा था। अब बस हमें यहाँ पे तोड़ते रहना है और ये अपने आप पानी अपना होता रहेगा सही। तो हमारा ये बन चुका है एक सिंपल सा
मैनुअल फार्म है, ऑटोमेटिक को नहीं कह सकते क्योंकि इसके लिए हमें लगता है सिल टच, और सिल टच हम अभी तक ऑटोमेटिक नहीं दे सकते, तो मैनुअली फार्म है। तो इसको हम चाहो तो और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये सिंपल फार्म हमारा आइस के लिए। मतलब ये 10 मिनट में इतना ये भर गया है, तो मीन्स मतलब मुश्किल से 15 मिनट में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। स्लैब के नीचे वाली कोई चीज़ वो नहीं होगी, मीन्स स्लैब के नीचे आइस नहीं बनेगी, क्योंकि किसी चीज़ के अंदर अगर कवर रहता है तो आइस नहीं बनती। तो हमें पूरी की पूरी आइस कलेक्ट कर ली। ओ, मैं बिना सिल्ट टच के नहीं ये कलेक्ट होगी, तो हमने सिल्ट टच वाला पिकेक्स से पूरी की पूरी आइस कलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट 3 स्टैक हो गए हैं पूरे। हाँ, 3 स्टैक पूरे हो गए हैं, चौथा मेरा थोड़ा सा बाकी है, और ये अपने आप जमता रहता है कॉन्टिन्यूसली। तो हम इसे पूरा इकट्ठा में एक बार नहीं दिखा सकता, तो 10 मिनट में हमें इतना रिजल्ट मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।